हेलो दोस्तों, तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यिनू के घर के बाहर काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे होते हैं कि उसको माफी मांगनी चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। और तभी हम वहां पर किम को भी देखते हैं जो उन सभी को देख रही थी। उसके बाद हम रैम को देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटा होता है, और जब वो उठता है तो वो देखता है गामजे उसके पास खड़ा था। वो उसे पूछने लग जाता है कि मैं यहाँ कैसे आया, तो गामजे उसे बताता है कि तुम मुझे शिनजोन यानी डेविल की कंपनी के बाहर मिले और फिर मैं तुम्हें घर ले आया। तो उसे पूछता है कि तुम वहाँ काहे के लिए गए थे। तो तभी रैम को डेविल की बात याद आती है जिसमें उसने बोला था कि तुम्हारी पावर क्यों चली गई है। तभी वो गामजे से पूछता है कि कौन सा सबसे दर्दनाक तरीका है सुसाइड करने का। तो वो उससे कहता है कि तुम ये सब बात क्यों पूछ रहे हो। और इतने में वहाँ किम आ जाती है। वो उसका फोन उसकी जेब से निकालती है और उसके फोन में उन मैसेज को देखती है। वो उसको कहती है कि जैसे मैंने सोचा था तुमने ये नहीं किया है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि फोन में लॉक लगाया करो। और तभी उसे एक क्लू मिलता है कि 7 से 11 बजे के आसपास तुम शूटिंग कर रहे थे और तुम्हारे फोन से मैसेज 8 बजे भेजा हुआ है। ये देखकर गामजे चौंक जाता है और तालियां बजाने लगता है। तभी रैम उससे पूछने लग जाता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो, ये मैटर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें पता है ना वो डेविल तुम्हारे पीछे पड़ा है। तभी वो कहती है कि मुझे पता है ये तुमने नहीं किया है और मैं उस डेविल को सबक सिखा के रहूंगी। और फिर गामजे को अपने साथ बाहर ले आती है। बाहर वो उससे पूछती है कि यिनू को क्या हुआ है। तो वो उसे बताता है कि शायद वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, यहाँ तक कि उसने मुझसे पूछा कि सबसे दर्दनाक तरीका क्या है सुसाइड करने का। ये सुनकर वो कहती है कि हमें डेविल को रोकना होगा, पर उससे पहले मुझे डायरेक्टर सुंजा से बात करनी है। तभी वहां पर रैम आ जाता है और उसने खुद पर पाउडर लगा रखा था। वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम इन बातों से घबराना मत और कुछ टाइम बाद ये सब शांत हो जाएगा। तभी उसे डेविल की बात याद आती है कि अगर तुमने किसी से मदद मांगी तो जो भी तुम्हारे करीब होगा मैं उसे मार डालूंगा। तो तभी उसे धक्का देकर कहता है कि तुम इस मैटर से दूर रहो, तुमने मुझे दूर रहने के लिए कहा था तो तुम अब यहाँ क्यों आई हो, तुम मेरे पास मत आओ और यहाँ से चली जाओ। और उसके बाद वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि गामजे को कह रही होती है कि क्या तुम उस सीईओ को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो, मुझे पता है तुम ग्रीम रीपर हो। जिसको सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। और फिर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंह सर्वाइवल का डायरेक्टर मीडिया वालों से कह रहा होता है कि उस दिन यिनू ने उसे नहीं बचाया था बल्कि उसने ही उस लड़की को मारने की कोशिश करी थी। उसके बाद फिर हम जंग सिंह को देखते हैं जो कि मीडिया के सामने आ रखा था और उसके साथ वही लड़का होता है जिसको उसने सीढ़ियों से धक्का दिया था। लेकिन वहां पर वो लड़का अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि मुझे धक्का यिनू ने दिया था। अगले सीन में हम डायरेक्टर सुंजा को देखते हैं जो कह रही होती है कि आज तो हमारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, हर कोई यिनू के बारे में गलत बोल रहा है। तभी वो असिस्टेंट कहता है कि क्या हमें यिनू को वाइल्ड एनिमल ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी वहां पर किम आती है और कहती है कि हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमें कैंडी कंपनी के सीईओ को ढूंढना होगा और उसे मीडिया के सामने लाना होगा ताकि वो सच बता सके। उसके बाद हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट थे। वहां पर एक आदमी आता है और उन्हें बताता है कि तुम्हारे बच्चों को सिर्फ यिनू ही बचा सकता है क्योंकि उसके पास एंटीडोट है। इस पर वो कहने लग जाते हैं कि क्या तुम्हारी बात सच है। तो वो हाँ कहता है और उन्हें कुछ पेपर दिखाता है और बोलता है इसके लिए हमें उससे मिलना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं रैम लाइब्रेरी आ रखा था और वहां पर कुछ किताबें ढूंढ रहा था। तभी गामजे उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस पर रैम बताता है कि मैं यहाँ कुछ बुक ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उस डेविल को हरा सकूं। तभी वो कहता है कि तुम अपनी डिवाइन पावर वापस लाने का ट्राई क्यों नहीं करते। और उसी टाइम गामजे को याद आता है कि जब वो उसे लेने गया था तभी अंदर से डेविल आ जाता है और वो कहता है तुम इसको घर ले जा लो, मुझे पता है ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है लेकिन अब उसकी डिवाइन पावर भी काम नहीं कर रही है क्योंकि इसके अंदर उस लड़की के फीलिंग है। और वहां से चला जाता है। तभी गामजे उससे पूछता है कि क्या ये सब किम की वजह से है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। और फिर वो वहां पर एक किताब नोटिस करता है जिसका नाम था 10 राजा आफ्टर लाइफ के। अगले सीन में हम फिर रैम को देखते हैं जो कि अपने घर पर था, लेकिन वो देखता है उसके घर के बाहर काफी लोग खड़े थे जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि यिनू मर्डरर है। और ये सब सुन के उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी वहां पर गामजे आ जाता है और उसको कहता है कि मेरे पास एक तरीका है तुम्हारी शक्ति वापस पाने का। क्या ये सच है कि तुम्हारी पावर किम की वजह से खोई है, क्या तुम उसे पसंद करते हो, मुझे डेविल ने इस बारे में बताया था।
तभी वो कहता है कि मैं अपनी पावर कैसे पा सकता हूँ। गामजो से कहता है कि ये पानी मैं आफ्टर लाइफ से लाया हूँ और इसको पीने के बाद तुम्हारी पुरानी मेमोरी चली जाएगी और तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस मिल जाएगी, और साथ में कहता है कि फिर उसके बाद मैं किम को इस खंजर से मार दूंगा। तभी वो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि जब मुझे मेरी शक्तियाँ मिल जाएगी तो तुम फिर किम को क्यों मारोगे। तो इस पर गामजो कहता है कि तुम्हारी यादें तो चली जाएगी पर फीलिंग्स नहीं जाएगी, और कभी तुम दोबारा मिले तो तुम्हारी फीलिंग्स जाग जाएगी, इसलिए किम को मरना ही होगा। तो रैम उसे मना करता है और कहता है कि मैं अपनी शक्तियाँ पाने के लिए किम को कभी नहीं मारूंगा। गामजो से कहता है कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर हमें डेविल को रोकना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। तुम इसके बारे में थोड़ा सोचना, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं यूनवो घर से बाहर आ जाता है और मीडिया वाले उसे पूछने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर उन बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं जो कि कैंडी खाकर बीमार हुए थे। वो लोग उसे कहने लग जाते हैं कि तुम्हारे पास जो एंटीडोट है वो हमें दे दो। इस पर यूनवो पूछने लग जाता है कि कौन सा एंटीडोट। तभी वहाँ पर हम उसी इंसान को देखते हैं जिसने उनको एंटीडोट के बारे में बताया था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद डेविल ही होता है। वो कहने लग जाता है कि प्लीज हमें एंटीडोट दे दो, और तभी हम देखते हैं उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। उसी टाइम वहाँ पर फिर किम आ जाती है और उसे वहाँ से ले जा लेती है। वो उसको कहता है कि वो मुझसे मदद मांग रहे हैं पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। किम फिर उसको वहाँ समझाने लगती है और कहती है कि हम हॉन्ग रिंग के सीईओ को ढूंढ लेंगे और हम उन सभी लोगों को ठीक कर देंगे। और तभी रैम को गामजो की बात याद आती है कि हमें किम को मारना ही होगा अगर तुम्हें अपनी पावर वापस चाहिए। तभी उसे धक्का देकर कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम इस मामले में मत पड़ो, उन सब की हालत मेरे वजह से हुई है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और आज के बाद मुझसे मिलना मत, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं टीवी पर एक न्यूज चल रही थी कि कैंडी खाने की वजह से एक औरत की मौत हो गई है। ये सब देखकर किम और रिएक्टर भी चौंक जाते हैं, और उधर हम देखते हैं वाइल्ड एनिमल ग्रुप भी ये चीज टीवी पर देख रहे थे, जिसको सुनकर ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। रैम की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और तभी वो गामजे को दिया हुआ सामान देखता है, और अगले दिन हम देखते हैं कि वो किम के घर के बाहर उसको लेकर आया होता है और कहता है कि क्या मुझे ये करना ही पड़ेगा। वो उसके घर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसने अपना सामान पैक कर रखा था। उसे देखकर वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मुझे बताओ तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती है कि मैं सबको बताने जा रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो मैंने ही किया है, ना कि तुमने। मैंने उस कैंडी कंपनी के डायरेक्टर से हाथ मिलाया था ताकि मैं पैसा कमा सकूं, और इसमें तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है। ये सुनकर वो उस पर काफी चिल्लाता है। वो बाहर आकर जाने लगती है तो यूनु उसे रोकने लग जाता है और पूछता है कि तुम मेरे लिए ये क्यों कर रही हो। तो उसे कहती है कि क्या तुम्हारे पास इससे कोई अच्छा उपाय है। तुम बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो इस वजह से मैं ये सब कर रही हूँ, मैंने बहुत सोचा और ये सही लगा। वो उसको मना करने लगता है और तभी वो कहती है कि तुम्हें पता है मैं अब ठीक हूँ, मुझे एंजाइटी नहीं होती, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने मुझे अपनी डिवाइन पावर के बिना ठीक किया है, तो तुम बिना शक्तियों के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तभी हम देखते हैं रैम की शक्तियाँ फिर से आने लग जाती है। उसके बाद ये देखते हैं वहाँ पर लोग आ जाते हैं, ये वहाँ से भाग रहे होते हैं, और तभी एक जगह पर पहुंचकर सारे लोग उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं वो उसके पास जाकर नीचे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। इसी बीच वहाँ डेविल भी होता है तो रैम उसे खंजर से मारने के लिए जाता है, तो वो उसे धक्का देकर अपने असली अवतार में आ जाता है। ये सब देखकर वो लोग काफी चौंक जाते हैं, और तभी रैम कहता है कि इसने ही तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा किया है, यही है जो सभी को मार रहा है। तभी हम देखते हैं वो अपनी पावर से उन लोगों को कंट्रोल कर देता है और वो सब लोग रैम को मारने के लिए बढ़ते हैं। वो उनको धक्का देकर दूर करता है, और जब वो लोग दोबारा उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी को वहाँ ठीक कर देता है, पर तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। किम उसकी ये हालत देखकर काफी शॉक हो जाती है और रोने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग उसे घर पर लेकर आए होते हैं, वहां पर हम गामजे को भी देखते हैं। तो जब उसे होश आता है तो गामजे कहता है कि किम ने बताया कि तुम्हारी पावर वापस आ गई है और तुम्हारी पावर देवता से भी नहीं आती। तो रैम उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो बताता है कि जो तुम्हारे पास पावर है वो लोगों से आती है जो तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं, और ऐसी पावर सिर्फ देवता पर ही होती है। तभी वो कहता है कि अब तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ गई है तो हमें किम को मारना नहीं होगा, जिसको सुनकर वो गामजे को देखने लग जाती है। वो बोलता रहता है, और जब वो नीचे उन दोनों को देखता है तो कहता है तुम दोनों बात करो मैं जाता हूँ।
उसके बाद हम देखते हैं किम उसकी तरफ देख रही होती है और उसे कहती है, तुम मुझे सच में मानना चाहते थे ताकि तुम्हारी शक्ति वापस आ सके। मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत कर रही थी ताकि तुम इन सब से बाहर आ सको, लेकिन तुम तो मुझे मारना चाहते थे। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे कहती है कि भले ही तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग ना हो, पर तुम मुझे मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो, और गुस्से से वहां से जाने लगती है। तभी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। वो उसे अपने पास बिठा लेता है और कहता है, मुझे लगा कि तुमसे प्यार होने के बाद शायद मेरी शक्तियां चली गई है, और गामजे ने सोचा शायद तुम्हारे मरने के बाद मेरी पावर वापस आ जाएगी, पर अगर ये भी एक रास्ता होता तब भी मैं ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, और उसको अपने पास खींचकर किस कर देता है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं अपने आप को तुम्हें दे सकता हूँ, और फिर से उसको किस कर देता है। हम देखते हैं वो भी उसे किस करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर लौट आई होती है और वो हॉस्पिटल जाकर सभी लोगों को ठीक करने लग जाता है। तो जब वो उन्हें ठीक कर रहा था तभी एक लड़की उसको ये करता हुआ देख लेती है, और साथ में वहाँ नर्स भी उसको देख लेती है कि यूनू ने ही इन्हें ठीक कर दिया है। अगले सीन में हम देखते हैं डेविल हॉन्गवुड ग्रुप के मास्टर के पास आया होता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझे मेरी कंपनी से बाहर कैसे निकाला। तभी वो कहती है कि देवता को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से रैमबरी को पता चल गया है कि देवताओं की शक्ति क्या कर सकती है, इसलिए तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। वो ये सुनकर अपनी तलवार निकाल देता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तभी वो अपनी पावर से उसको वहीं रोक लेती है। हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाता, और तभी वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं ये लोग ऑफिस में थे और किम बताती है कि मुझे उस कंपनी का सीईओ मिल गया है। उसके बाद ये लोग वहां से चले जाते हैं। ये उसके पास जाते हैं और तभी वो बताता है कि ये सब शिंजोन ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। उसने मुझे धमकी दी और मेरे सारे एम्प्लॉय को मार दिया था, पर मैं ये कन्फेस नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे मार देगा। तभी किम कहती है कि आपको पता है ये कौन है। वो पूछता है ये कौन है। तभी वो बताती है कि ये ग्रिम रीपर है, और तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो उसे कहती है कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो, और बोलती है कि तुम हमारे साथ वापस चलो और सबके सामने कन्फेस करो। तो आगे ये मीडिया के सामने बता देता है कि आर यू एंटरटेन कंपनी का वाइस चेयरमैन यानी शिंजोन ही हॉन्ग रिंग के पीछे था। उसने वो सीन वगैरह के साथ मिलकर मुझे धमकाया था ताकि हम यूनू को फंसा सके, और ये उसका सबूत है। हम देखते हैं सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और शिंजोन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट निकल जाता है, पर वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा था। आगे हम देखते हैं जंग सीओ हॉस्पिटल आया होता है और वो उस औरत को देखकर कहता है कि तुम कौन हो, और वो औरत हॉन्गवुड ग्रुप की मास्टर होती है। तभी हम देखते हैं ये लोग एविल बॉय ग्रुप को परफॉर्म करता हुआ टीवी पर देख रहे थे और पूछ रहे होते हैं कि अब तो यूनो के बारे में अफवाहें भी बंद हो गई है, तो क्या हमारी भी वापसी होगी। और तभी रैम को उस एविल बॉय ग्रुप की लड़की के बारे में याद आता है। वो वहां से बाहर जाकर किम को कॉल करता है और बोलता है कि एक सिंगर अवार्ड सेरेमनी आ रही है और मैं वाइल्ड एनिमल में ही रहना चाहता हूँ, क्या मैं आर्टिस्ट ऑफ द ईयर जीत सकता हूँ। तो इस पर वो कहती है कि क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो। तो वो कहता है नहीं, मैंने किसी को प्रॉमिस करा था। उसके बाद वो उसे कहता है कि मेरी शक्तियाँ कम हो रही है, मुझे तुम्हारे पास आना है। वो ये सुनकर कहने लग जाती है कि इसको क्या हुआ। तभी वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में अच्छा लग रहा है, मैं अकेला भी नहीं हूँ और मुझे तुम भी मिल गई हो। तो अगले दिन हम देखते हैं जब किम जा रही थी तभी उसे सिंह सर्वाइवल का डायरेक्टर दिखता है और उनसे कहती है कि आप प्लीज वाइल्ड एनिमल को शो में ले लीजिए, और उन्हें किसी तरह मना लेती है। आगे वो फिर डायरेक्टर सुंजा को बताती है कि अब वाइल्ड एनिमल भी उस शो में हिस्सा ले सकते हैं। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि ये लोग सिंह सर्वाइवल में परफॉर्म करना शुरू कर रहे थे। तभी वहां पर यूनू आगे आ जाता है और चिल्लाता है कि रुक जाओ। सभी लोग कह रहे होते हैं कि क्या इसे फिर से अटेंशन चाहिए, क्या ये पागल है। तभी वो कहता है मेरे बारे में जो अफवाह है वो सब गलत है, और मैं आखिरी वक्त तक वाइल्ड एनिमल का मेंबर बना रहूंगा। उसकी ये बातें सुनकर सभी मुस्कुराते हैं और ये सुनकर किम भी खुश हो जाती है, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगा कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।